हमसे अच्छे जन है। हमारा तो उस पर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, स्वयं पर भरोसा करते हैं। जब उसने जन्म दिया है तो रोटी का हिसाब भी वही रखेगा। सन्यासी भी वास्तविकता में इसी बात पर अमल करते, इसलिए सन्यासी कभी भी एक जगह नहीं रहते, विचरण करते रहते एक जगह से दूसरी जगह, ताकि किसी भी चीज से मोह ना हो जाए। मोह और साथ ही दूसरा शब्द आता है मोक्ष। क्या है यह शब्द मोह और मोक्ष? छोटी छोटी चीजों से प्रेम करना, सोचना कि इस वस्तु के बगैर, इस रिश्ते के बगैर हम नहीं रह सकते, हम नहीं जी सकते, इसे ही मोह कहा जाता है। आजीवन हम इसी चीज में लिप्त रहते हैं, और आज के समय में सबसे ज्यादा मोह किस चीज से है? किस चीज से है? मोबाइल फोन से। स्वयं गिर जाएंगे, हाथ पैर टूटा क्या हुआ यह नहीं देखेंगे, पहले मोबाइल ढूंढो। अरे इतने लाख का हमारा मोबाइल फोन था। सबसे ज्यादा मोह आज के समय में मोबाइल फोन से, उसके बिना हम एक क्षण भी नहीं काट सकते, कोई नहीं झुठला सकता इस बात। और जो लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते, उनको सबसे अधिक मोह किस चीज से है? अपनी संतान से, अपनी संपत्ति से, संतान से भी पहले संपत्ति से, पहले संपत्ति उसके पश्चात संतान। हाँ,